हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का मंथली एग्जाम चल रहा है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट का आप लोग का तो परीक्षा हो गया होगा। अब जो अभी बाकी आपका होम साइंस का होना है, काफी बच्चों का डिमांड था कि सर आप जितने सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड किए वो यानी ओरिजिनल पेपर आप प्रोवाइड किए थे उसी तरह यानी होम साइंस का भी प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि जो आप पेपर दिए थे वही सेम टू सेम हुबहू हम लोग को परीक्षा में देखने को मिला था। तो प्यारे बच्चों, सो फाइनली आप लोग के लिए होम साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे क्लास को एंड तक देख लेना है या इसको इसका आंसर क्यू को आप लोग नोट कर लीजिए या दो से तीन बार अच्छे से इसको रिविजन कर लेंगे। देखिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपका 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी होगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका 2024 का जो है पूरी प्रिपरेशन करवा जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसे देख पा रहे आप लोग इसमें आपका 30 प्रश्न है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है। थोड़ा सा आपको धुंधुला दिखता होगा लेकिन किसी तरह मैनेज करना है। हाँ, ओके, थोड़ा सा आप लोग हम जैसे आपको हम बता रहे हैं आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, एबीसीडी करके भी आप लोग उतार लीजिएगा तो चलेगा। सबसे बड़ी अंत है स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी अंत स्रावी ग्रंथि की अगर बात किया जाए तो थायराइड जो है सबसे बड़ी अंत ग्रंथि है। तो ये जो है आपका यानी बिल्कुल ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक का आप लोग डी लिख लीजिए, आपको साफ नहीं दिखता होगा। ठीक है, मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा किसी तरह। मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती है? ठीक है, तो देखिए मानव सरकार के बहुत मानव शरीर में जो है बहुत सारे जो है ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन मुख्य प्रकार की अगर बात किया जाए तो वो तीन प्रकार की है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का तीन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा तीसरा आपके स्क्रीन पे। निम्न में से यानी कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए अंतस्रावी ग्रंथि इनमें से जो है कौन सा नहीं है आपको ये पूछा गया है। तो देखिए अंडाशय एक अंतस्रावी ग्रंथि है, वृषण भी है, अधिवृक्क है, लेकिन आपका पसीना क्या है? पसीना ग्रंथ नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग का जो ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, सबसे आम अंतस्रावी ग्रंथि जो है मतलब विकार क्या है? हाँ, चलिए बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे आम अंतस्रावी ग्रंथि जी की अगर बात किया जाए तो मधुमेह इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मधुमेह यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, डायबिटीज। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे फाइव नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन का कार्य है? देखिए हार्मोन का कार्य जो होता है क्या वृद्धि करना होता है, उसका कार्य मरम्मत करना होता है, प्रजनन करना होता है। तो इनमें से सभी जो होता है उसका काम होता है किसका? हार्मोन का, इन सभी सभी काम होता है उसका। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक हार्मोन नहीं है आपको बताना सिक्स नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इंसुलिन जो है नहीं है, इसका आंसर आपका इंसुलिन जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए कौन सा सात नंबर क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन पुरुष और महिलाओं में दोनों में पाया जाता है? टेस्ट्रोजन ये बिल्कुल नहीं पाया जाती है इसमें, प्रोजेस्टेरोन ये भी नहीं पाई जाती है, एस्ट्रोजन यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर आप लोग का जो होगा डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित कारण है? तो बताइए मानव निर्मित द्वारा प्रदूषण का मानव निर्मित कारण कौन सा है? ठीक है, तो मानव के द्वारा जो है प्रदूषण फैलना वाला जो है कारण कौन सा माना जाएगा इसमें? तो अगर बात किया जाए इसका तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परिवहन। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिवहन के द्वारा जो है वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए हाँ हाँ, जिससे पर्यावरण को दूषित करता है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे, किस प्रकार की प्रदूषण पर्यावरण को सबसे अधिक यानी प्रभावित करता है, यानी किस प्रकार के वायु से जो है यानी पर्यावरण को जो है सबसे ज्यादा जो है प्रभावित करता है? तो हम लोग जानते हैं वायु परिवहन होगा, मतलब वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण से जो है सबसे अधिक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे दस नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण कौन सी बीमारी नहीं होती वायु प्रदूषण से? चलिए बताइए। तो देखिए अस्थमा वायु प्रदूषण से भी होने वाला रोग है, एलर्जी भी होता है उससे, ब्रोंकाइटिस होता है, लेकिन गठिया जो इससे नहीं होता है, गठिया रोग यानी गठिया में दर्द होना कोई है जो है वायु प्रदूषण से नहीं होता, वो कैल्शियम की कमी से होता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? अगर जल प्रदूषण की बात किया जाए तो शहरीकरण से भी जो है जल प्रदूषण होता है, बिल्कुल कल कारखाना फैक्ट्री से जितने सारे मलमूत्र जो निकलता है वो नदी को पानी को जो है प्रदूषित करता है, वनों की कटाई से भी होती है, औद्योगिकरण से भी होती है जो बताया आपको कल कारखाना फैक्ट्री से। तो इसका आंसर आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो ये सभी कारण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है? इनमें से जल से होने वाला रोग इसमें से कौन नहीं है? देखिए हैजा जल से होने वाला है, टाइफाइड भी है, पेसिज भी है, लेकिन तापेदिक जो है ये नहीं है। तो इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है, चलिए सतही जल प्रदूषण होता है क्या? बताइए। हाँ, सतही जल प्रदूषण होता है
महानगरों में होता है, नदियों में होता है, झीलों में, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, सतही जल प्रदूषण जो होता है इनमें से सभी में होता है, यानी ऑप्शन डी, यानी 13 का ऑप्शन डी आप लोग उतार लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन पानी में उबालने से मर जाते हैं। ठीक है, पानी को उबालने से क्या मर जाता है, विष्णु भी मरता है उसमें, ठीक है, बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, परजीवी मर जाते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रदूषित जल निम्न से यानी किसे यानी क्या आसानी से हटाया जा सकता है, यानी प्रदूषित जल से जो है किसे आसानी से हटाया जा सकता है। तो देखिए हम लोग अगर प्रदूषित जल से यानी उसको जो है तरल को हटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकते। ठोस, अगर कोई ठोस पदार्थ होगा तो उसको हम लोग चून करके निकाल लेंगे, तो इसका आंसर ये निकालने में हमें बहुत आसानी होगी ठोस पदार्थ को। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, क्या पौधा कोई जल प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ये जो है राइट आंसर होगा, ये कोई कारण नहीं हुआ। जानवर से जो है मलमूत्र से भी जो है प्रदूषण करता है जल को, उसके बाद मानव गतिविधियों से भी जो करते हैं, बाढ़ से भी करते हैं, लेकिन पौधे से नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। देखिए वायु प्रदूषण कम हो, सबसे अच्छा अगर तरीका बताया जाए तो पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करें। ठीक है, उसके बाद क्या, कचरा ना जलाए, हाँ, उसके बाद क्या हो जाए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, ये तीनों हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है, इनमें से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं हो सकता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा, यानी बम विस्फोट, इससे भी जो है, यानी जनसंख्या विस्फोट से भी जो है क्या होता है, यानी प्रदूषण होता है, शहरीकरण से भी होता है, औद्योगिकरण से, लेकिन वृक्षारोपण से जो है नहीं हो सकता है, यानी वृक्ष लगाने से कभी प्रदूषण होगा, नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, घरेलू कचरा से किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है। हम लोग जानते हैं ये जो है भूमि प्रदूषण भी हो सकता है, जल प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी, तो सभी हो जाएगा, इसमें से आप लोगों का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जल शुद्धिकरण की सबसे प्रभावी घरेलू विधि कौन सी है। देखिए जल को जो है घर में जो है शुद्ध करने का जो घरेलू उपाय है वो कौन सा बेस्ट है, तो सबको पता होना चाहिए, उबाल कर यानी जो है जल को यानी शुद्ध किया जा सकता है, यानी गर्म करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, प्रदूषण के कारण किस संसाधन का गुणवत्ता खराब नहीं होता है। देखिये प्रदूषण से जो है किसका यानी जो है गुणवत्ता खराब नहीं हो सकता है, तो देखिये प्रदूषण से भूमि का भी खराब हो सकता है, जल का भी होगा, वायु का भी होगा, लेकिन सूर्य का कोई भी जो है मतलब खराब नहीं हो सकता, इससे प्रभावित नहीं हो सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के कारण होता है। देखिए वायु प्रदूषण का कारण अगर माना जाए तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो है ये राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो जिम्मेदार है किससे है, CO2 से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, तेज शोर के संपर्क में आने से डेस परिणाम हो सकता है। ठीक है, देखो अगर ज्यादा अगर शोर होगा तो ताप जो है रक्तचाप जो होगा क्या होगा, उच्च हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, उसके बाद क्या नींद में परेशानी होगा, नींद नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी जो है इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अपशिष्ट निपटान का सबसे महंगा रूप कौन सा होता है। देखिए अपशिष्ट निपटान का सबसे महंगा रूप जो होगा आपका यानी कौन सा होगा, यानी कूड़ा जलाना, ये महंगा रूप नहीं होगा, लैंडफिल जो है ये महंगा रूप होगा इसका। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से यानी कौन प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का यानी प्राकृतिक तरीका है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक तरीका है शुद्ध करने का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसका प्राकृतिक तरीका की, तो ये जो होगा आपका यानी वर्षा वायु के यानी शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका। तो वर्षा से भी होगा, देखो कौन सा प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है, तो जो है वायु प्रदूषण को जो है पेड़ पौधे से भी हो सकता है। ठीक है, धूप से भी होगा, वर्षा से भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, घर के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा हो सकता है। देखिए घर के अंदर जो है लकड़ी जो जलाते हैं, लकड़ी से जो है उससे जो है प्रदूषण होता है, तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से शुद्ध जल का यानी प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो देखिए शुद्ध जल का जो प्राकृतिक स्रोत अगर माना जाए तो शुद्ध जल है वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है। देखिए वाहनों के लिए जो है सबसे कम अगर ईंधन फैलाएगा तो पेट्रोलियम जो है ये मतलब बहुत ज्यादा ही फैलाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है स्पीडित प्राकृतिक गैस जो है बहुत कम फैलाते हैं, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से यानी कौन जिम्मेदार है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन आप लोग का बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को बचाने के लिए 3 यानी RR को से नहीं है। देखिए ये 3R जो का मतलब जो होगा आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए,
यानी कम कर्नाटी का होता है और पुनः चक्रण हो जाएगा उसका पुनः उपयोग, लेकिन ये जो है पुनः प्राप्त करना नहीं है, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ये जो था आप लोग का क्या था, यानी एमसीक्यू प्रश्न था जो मैं आपको बताया, 30 प्रश्न था होम साइंस का, और ये 300 प्रश्नों को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर क्यू को अच्छे से आप लोग जो है नोट कर लेंगे, और यही आपका जो है पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, या आप इसे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए डियर, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।